वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 15 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन आप कैसे कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस दिया हुआ है BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो मैं BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेता हूँ। BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ने ड्रॉ कर लिया है। राइट, नाउ ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 एट सी। सो यहाँ पे आप रेफरेंस लाइंस को मैच कराते हुए 90 का एंगल ले देख सकते हो। मैंने यहाँ पे 90 का एंगल ये रहा 90 का एंगल। राइट, आप देख सकते हो कि बी से ए का जो डिस्टेंस, मतलब बी से ए का जो लाइन सेगमेंट है वो मेरा 8 सेंटीमीटर का है। तो हमें 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना होगा। 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कैसे लेना है मैं आपको दिखा दूं जूम करके। जहां पे जो मेरा स्टील वाला पॉइंट रहेगा वो 8 सेंटीमीटर पे रहेगा, हो सकता है आपको दिखाई दे। जो स्टील वाला पॉइंट है मेरा 8 सेंटीमीटर पे, वो यहाँ पे रहेगा। कंपास का स्टील वाला पॉइंट यहाँ पे 8 पे रखना है आपको, और पेन वाला पॉइंट है वो आपको 0 पे रख लेना है। ठीक है, तो देख लीजिए ये 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हो चुका है। ओके, अब मैं बी से इसको आर्क ड्रॉ करूंगा। तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम होगा पॉइंट ए। नाउ जॉइन दिस ए एंड बी। यहाँ पे आपको ट्रायंगल मिल जाएगा जिसका नाम है ट्रायंगल ABC। इस तरीके से आप राइट एंगल ट्रायंगल को भी बाइसेक्ट, राइट एंगल ट्रायंगल को भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल के कुछ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।